हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ईलर्निंग विद दुर्गेश। सीडीपी की स्मार्ट क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में हम लोगों ने शैशव अवस्था के बारे में डिटेल पढ़ा था। शैशव अवस्था में क्या मानसिक विकास होता है, क्या शारीरिक विकास होता है, क्या नैतिक विकास होता है, क्या सामाजिक विकास होता है, क्या संवेगात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, लंबाई में क्या अंतर होता है, भार में, हड्डियां, मांसपेशियां, तमाम बातें हम लोगों ने जो है पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। इस तरीके से कह लेंगे तो शैशव अवस्था को हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया था, अब कुछ शैशवावस्था में बचा नहीं था पढ़ने के लिए, इसीलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बारे में आप सभी को पहले से ज्ञात होगा कि बाल्यावस्था की समय अवधि क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल्यावस्था क्या होता है, प्रश्न बनता है कि बाल्यावस्था वास्तव में होती क्या है, तो आप कहेंगे प्रसर कि छह से बारह वर्ष की आयु का जो समय होता है उसे ही बाल्यावस्था कहेंगे, या कहेंगे शैशवावस्था के बाद का जो दूसरी अवस्था होती है उसे ही बाल्यावस्था की संज्ञा दी जाती है, या एक तरीके से कह सकते हैं आप कि शैशवावस्था की समाप्ति पर जिस अवस्था का प्रारंभ होता है उसे हम बाल्यावस्था की संज्ञा देते हैं या बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। तो इसी तरीके से आप जो है बाल्यावस्था या चाइल्डहुड को जो है डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके छोटे छोटे सरल शब्दों में जो है बाल्यावस्था के बारे में शब्द हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड बाल्यावस्था के बारे में। सबसे पहले तो आपको टाइम ड्यूरेशन पता ही है, इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं। समय जो होता है वो नॉर्मली हम लेते हैं छह से बारह वर्ष। अब यदि 6 से 12 वर्ष की बात करें फ्रेंड, तो आपको पता होगा रास ने बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा था। नाम रखिए, याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिक का रास ने बाल्यावस्था को दो महत्वपूर्ण भागों में बांटा था। पहला उन्होंने बताया था पूर्व बाल्यावस्था, जिसकी टाइम ड्यूरेशन, जिसका टाइम पीरियड उन्होंने बताया था 3 से 6 वर्ष, और दूसरा जो बताया था उत्तर बाल्यावस्था, जिसकी टाइम अवधि उन्होंने बताई थी फ्रेंड 6 से 12 वर्ष। याद रखिएगा, बाल्यावस्था को दो महत्वपूर्ण भागों में बांटकर अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? रास है। उनका नाम फ्रेंड क्या है? रास है। उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। समय याद रखिएगा, काफी बार सीधी परीक्षा में पूछ लिया गया है कि पूर्व बाल्यावस्था की समय अवधि क्या है, तो पूर्व बाल्यावस्था की 3 से 6 और उत्तर बाल्यावस्था की 6 से 12। कंफ्यूजन न हो इस प्रकार से ले करिएगा। अब देखिए फ्रेंड, बाल्यावस्था में बालक क्या होता है, धीरे धीरे सामाजिक गुणों का विकास प्रारंभ हो जाता है, धीरे धीरे उसका शारीरिक विकास जो है क्या पूर्ण लगभग होने लगते हैं, और कहने का मतलब क्या होता है कि बालक एक तरीके से विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु एकदम तत्पर हो जाता है, अर्थात इसको हम विद्यालय प्रवेश की आयु भी कह सकते हैं। जैसे क्या होता है, अब शैशवावस्था में पूर्व प्राथमिक, मतलब पूर्व प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश हेतु होता है, लेकिन बाल्यावस्था में या विद्यालय में प्रवेश हेतु जो है इसके अंदर गुणों का विकास हो जाता है। अब बात करेंगे, देखिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग डिफिनेशन के माध्यम से, अलग अलग कथन के माध्यम से जो है इसके बारे में अलग अलग जो है अपने विचार व्यक्त किए हैं। अलग अलग कथन या इसको परिभाषा आप कर लीजिए करेंगे, तो उसी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है विशेषताओं के बारे में आके करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की विशेषताओं के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक हम बात करते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है, इनका कोटेशन काफी बार आपसे पूछा गया है, कार्ल एंड ब्रूस। ठीक है, कार्ल एंड ब्रूस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो कार्ल एंड ब्रूस ने क्या है, शैशवावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। कार्ल एंड ब्रूस के शब्दों में, कार्ल एंड ब्रूस, कार्ल एंड ब्रूस के अनुसार, कार्ल एंड ब्रूस के अनुसार उन्हें फ्रेंड बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। कार्ल ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताया, इन्होंने बताया है यह जीवन का अनोखा काल है, अनोखा काल। इन्होंने बताया फ्रेंड कार्ल ब्रूस ने कि यह जीवन का अनोखा काल है, अर्थात इसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के सामाजिक व व्यक्तिगत व्यवहार करना वाला सीख जाता है, अर्थात उसके अंतर्गत काफी काफी परिवर्तन आने लगता है, और वह क्या करता है तमाम चीजों को सीख जाता है। अब बात करेंगे फ्रेंड, ये तो हो गई बात जो है कार्ल एंड ब्रूस की, अब बात करेंगे हम लोग रास की। तो रास के बारे में अगर बात करेंगे फ्रेंड, तो रास का कहना है, रास का कथन है कि
कि बाल्यावस्था जो है वह मिथ्या परिपक्वता काल है। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। रात के बाद का जो कथन है वह काफी इंपॉर्टेंट है, वह काफी बार पूछा गया परीक्षाओं में, तो आप नोट करिएगा कि रात के अनुसार आपने क्या कहा भाई, इसको आपको नोट करना है। रात के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, परिपक्वता का काल है। या फ्रेंड बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। अब वही बात करें फ्रेंड क्रोह एंड क्रोह की, तो क्रोह एंड क्रोह की भी डिफिनेशन काफी बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। क्रोह एंड क्रोह का कहना है कि जब बालक छह वर्ष का होता है तब उसकी मानसिक योग्यता लगभग पूर्ण हो जाती है। क्या सकते हैं कि मानसिक योग्यताओं का विकास जो है लगभग पूर्ण हो जाता है, क्या सकते हैं कि मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। क्रोह एंड क्रोह के अनुसार, जब बालक छह वर्ष का होता है तब उसकी मानसिक योग्यता योग्यताओं का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, विकास हो जाता है। यह फ्रेंड कहने का मतलब फ्रेंड कि विकास जब बालक छह वर्ष की आयु का होता है तब उसकी मानसिक योग्यता का विकास हो जाता है। कहने का मतलब फ्रेंड वह सोचने और समझने की जो शक्ति है वह उसकी प्रारंभ हो जाती है। किसी समस्या के प्रति उसके जो सोचने व विचार करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो मानसिक योग्यता होता है, वह इस अवस्था में आते आते विकसित हो जाता है, जिसको क्रोह और क्रोह ने अपने शब्दों में बताया गया है। एक और मनोवैज्ञानिक है स्ट्रैंग जी। स्ट्रैंग का कहना है कि ऐसा कोई खेल ना हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेल सकता। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही पता है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। स्ट्रैंग महोदय का कथन है, स्ट्रैंग एक मनोवैज्ञानिक है हमारे, इनका कथन है स्ट्रैंग के अनुसार 10 वर्ष का बालक ऐसा शायद कोई खेल होगा, ऐसा कहना है फ्रेंड इनका, ऐसा शायद ही कोई खेल है जिसे 10 वर्ष का बालक न खेल सकता है, 10 वर्ष का बालक न खेल सकता हो। या फ्रेंड ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेल सकता हो, ऐसा कथन है फ्रेंड आपके स्ट्रैंग महोदय का। तो इतनी भले फ्रेंड इतनी बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा, इतनी बातों का स्क्रीन शॉट आप लोग लीजिएगा, क्योंकि इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतनी चीजें आप लोग सीख लीजिए, पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, उसके बाद बात करेंगे, आगे चलेंगे और भी मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है चीजों को हम लोग देखेंगे। चलिए इतनी बातें आप लोग हमारे साथ नोट कर चुके होंगे, तो आगे बात करेंगे फ्रेंड सिगमंड फ्रायड के बारे में। चलिए जगह हो तो सिगमंड फ्रायड को भी यहीं दिखा देते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, नीचे से ऊपर से इरेज करते हैं, काल वृत्त हो गया होगा। अब बताते हैं आपके सिगमंड फ्रायड में, सिगमंड फ्रायड के अनुसार फ्रेंड, सिगमंड फ्रायड के अनुसार जीवन का बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल होता है। यह फ्रेंड सिगमंड फ्रायड का कथन है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है,
निर्माणकारी काल है। यह कहना है फ्रेंड किसका, आपके सिग्मंड फ्रायड का। सिग्मंड फ्रायड वही सिग्मंड फ्रायड जिनको हम मनोविश्लेषणवाद के जनक के तौर पे जानते हैं, मनोविश्लेषणवाद के प्रतिवादक के तौर पे जानते हैं। उन्हीं का कथन है कि बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल होता है। साथ ही साथ किल पैट्रिक ने कहा है कि यह बालक के प्रतिद्वंदात्मक समाज का प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल होता है। जी हां फ्रेंड, यहीं पर हम लोग नोट करेंगे आपके किल पैट्रिक के अनुसार, किल पैट्रिक के अनुसार ये सारे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। किल पैट्रिक के अनुसार किल पैट्रिक का कहना है फ्रेंड कि बाल्यावस्था बाल्यावस्था बालक के प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। बालक के प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। तो ये थे विभिन्न मनोविज्ञानियों के द्वारा मनोविज्ञान के संदर्भ में महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो देखिए इनमें से कुछ आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जैसे राग का है, मिथ्या परिपक्वता काल, कॉलिन ब्रुक का अनोखा काल, सिग्मंड फ्रायड का जीवन निर्माणकारी काल, किल पैट्रिक के अनुसार जो है आपने जाना है, किल पैट्रिक के अनुसार क्या होता है आपका, कि यह प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल होता है। तो ये विभिन्न मनोविज्ञानियों द्वारा बाल्यावस्था के संदर्भ में अलग अलग तौर से परिभाषित किए गए कथन है, या तो आप कर लीजिए या तो परिभाषा कर लीजिए। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक नंबर आपके निश्चित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। काफी बार यहाँ से सुबह प्रश्न आपसे पूछ लिए गए, इसलिए इतनी चीजें आप लोगों को एकदम जवानी याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, क्योंकि यह आपके एक अंक पक्के करने वाले हैं। अब बात करेंगे बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में, उसके बाद एक एक करके हम इनके जो है विभिन्न बच्चों का जो है अध्ययन करना शुरू करेंगे। आई होप इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो भी छूटा हुआ है बाकी जो हमने लिखे हैं कि सिग्मंड फ्रायड के अनुसार और पैट्रिक के अनुसार, इसको नोट करिएगा। उसके बाद बाल व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में जो है करके डिस्कस करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, पूरा टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है आपका। अब बाल व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, फिर एक एक करके जो है। चलिए फ्रेंड, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु की अवस्था के बारे में अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के कथन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक बार आप सभी लोग जो है वो रिवाइज करके उसके बाद आगे चलेंगे विशेषताओं पर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो विशेषताएं बहुत सारी है फ्रेंड, विशेषताएं बहुत सारी है, एक एक करके हम लोग विशेषताओं पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली विशेषता फ्रेंड करते हैं नैतिक गुणों का विकास। नैतिक गुणों का विकास पहली विशेषता है, पहली विशेषता फ्रेंड कि नैतिक गुणों का विकास कहने का मतलब फ्रेंड इस अवस्था में होता क्या है कि बालक के जहां से ऐसे अवस्था में नैतिक गुणों का अभाव था, मतलब अच्छे बुरे सही गलत में बालक में फर्क करने का कोई भी संज्ञान नहीं था, वहां इस अवस्था में आते आते बालक में नैतिक गुणों का विकास प्रारंभ हो जाता है, अर्थात अच्छा बुरा सही गलत वह जानने व समझने लगता है, थोड़ा थोड़ा ही लेकिन जानना और समझना शुरू होता है। अर्थात कह सकते हैं कि नैतिक गुणों का जो विकास है वह इस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, इसलिए कह सकते हैं कि नैतिक गुणों के विकास इस अवस्था की विशेषता है। नैतिक के साथ साथ आप जान लीजिए सामाजिक गुणों को भी, उसको भी नहीं लिखना है, नैतिक और सामाजिक, नैतिक तथा इसको कह सकते हैं कि हम सामाजिक भी कह सकते हैं, सामाजिक गुणों का विकास विकास प्रारंभ हो जाता है, सामाजिक गुणों का विकास तथा नैतिक गुणों का विकास जो है इस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। मतलब समाज के प्रति उसका जो व्यवहार है वह किस प्रकार से रहेगा, इसका भी इसकी भी जानकारी उसको इस अवस्था में हो जाती है कि कैसे मुझे समाज के प्रति व्यवहार रखना है, कैसे मेरे चालचलन होंगे समाज के प्रति, कैसे मैं अपने आप को समायोजित कर पाऊंगा, इन सभी बातों से वह रूबरू होने लगता है, परिचित होने लगता है, इसलिए इन दोनों गुणों का विकास प्रारंभ हो जाता है।
जिज्ञासा की प्रबलता, इस अवस्था में जिज्ञासा की प्रबलता बनी रहती है, जिज्ञासा की प्रबलता है इस अवस्था की एकमात्र विशेषता है जिज्ञासा की प्रबलता है। इस अवस्था में जो बालक होते हैं वह बड़े ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात उनके मन में हमेशा अलग अलग तरह के प्रश्न आते रहते हैं, किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी कल पुर्जे को लेकर, किसी भी मशीन को लेकर, किसी भी स्थान को लेकर, किसी भी पशु को लेकर, किसी भी पक्षी को लेकर, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जो भी ब्रह्मांड में, जो भी संसार में, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तुएं हैं, जिसको भी देखता है, उन सभी को लेकर उसके मन में जिज्ञासा तरह के प्रश्न आने प्रारंभ हो जाते हैं, आता रहता है, जो उसके बाल्य अवस्था की विशेषता को दर्शाता है। अगला आत्मनिर्भर की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना, इस अवस्था में आत्मनिर्भरता की भावना, इस अवस्था की अभी एक महत्वपूर्ण विशेषता फ्रेंड, इस अवस्था में बालक जो है वह थोड़ा थोड़ा आत्मनिर्भर होना प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब फ्रेंड क्या होता है, जहां चर्चा अवस्था में वह पूरी तरीके से डिपेंड होता है अपने पेरेंट में, अपने पेरेंट मतलब अपने माता पिता पर डिपेंड होता है, यदि उसको विद्यालय भी जाना होता है तो भी माता पिता पर डिपेंड होता है, यदि भोजन भी करना होता है तो मतलब लगभग लगभग सारे काम वह किसी पे डिपेंड रहता था, लेकिन इस अवस्था में वह आत्मनिर्भर होने लगता है, अर्थात वह खुद से तैयार होता है, खुद से अपने कपड़े पहनता है, खुद से अपने टिफिन रखता है और खुद ही स्कूल जाना प्रारंभ करता है। कहने का मतलब आत्मनिर्भर की भावना उसके अंदर आने शुरू हो जाती है, आत्मनिर्भर वह बनने लगता है। ठीक है, अगला मानसिक योगदान वृद्धि, या तो आप सभी लोग जानते हैं कि मानसिक योगदान वृद्धि, अभी आपने देखा भी है डेफिनेशन के माध्यम से, अभी आपने मानसिक योग्यता में वृद्धि, जी हाँ, कहने का मतलब फ्रेंड कि मानसिक योग्यता में वृद्धि होने लगती है, आप सभी लोगों को पता है कि मतलब बालक जो है काफी सारी चीजें, मतलब उसका जो मानसिक विकास है, जिनको वह विचार करके सोचता है, समझता है, ये सारी चीजें लगभग लगभग जो है उसके अंदर आनी प्रारंभ हो जाती है। कहने का मतलब फ्रेंड जो मस्तिष्क है उसका कार्य करना शुरू कर देता है, सही गलत समस्या समाधान के बारे में वह सोचना लगता है, हल्का फुल्का जो है उसके मस्तिष्क में विचार आने लगते हैं। अगला सामूहिक भावना का विकास, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, सामूहिक भावना का विकास, भावना का विकास, सामूहिक भावना का विकास से मतलब तो फ्रेंड क्या होता है कि जब बालक विद्यालय में प्रवेश लेता है, जब बालक विद्यालय में प्रवेश लेता है तो वह क्या होता है, एक समूह और एक मित्र मंडली के साथ जुड़ता है, खेल खेल में क्या होता है, लोगों से मतलब समूह उसके बनते हैं, गुट बनता है, और क्या होता है, समूह भावना का विकास उसके अंदर होता है, मतलब क्या होता है, वह एक समूह के प्रति उसका सदस्य बन जाता है और उसके प्रति जो उसे कार्य है वह उसको जो है निभाने लगता है, अर्थात एक समाज, एक सामूहिक समाज के बारे में उसको जानकारी मिलती है और सामाजिक गुणों का विकास जो है प्रारंभ हो जाता है। ये हाँ, और भी कुछ चीजें है जिससे रहते हैं हम लोग जो है काम, देखिए आत्मनिर्भरता की भावना, इतनी बातें आप लोग नोट करती रहिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अब ये बहुत कहने को तो है, बहुत सारी विशेषता है, लेकिन मैं हम कुछ ही को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को देखना आवश्यक है। संग्रह करने की प्रवृत्ति एक मात्र विशेषता है, संग्रह करने की प्रवृत्ति, संग्रह करने की प्रवृत्ति, कहने का मतलब फ्रेंड ये होता है कि इस अवस्था में जो बालक होता है वह वस्तुओं को संग्रह करने का मतलब क्या, जैसे बहुत सारे खिलौने को, बहुत सारे पेंसिल हो गया, बहुत सारा पेन हो गया, बहुत सारी कॉपी हो गया, सबको इकट्ठा करता रहता है, तो इकट्ठा करता ही रहता है, उसमें संग्रह करने का गुण पाया जाता है, संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए खिलौने, पेंसिल, पैसे वह सबको जो है इकट्ठा करता रहता है, क्यों, क्योंकि उसमें संग्रह की प्रवृत्ति, यह विशेषता पाई जाती है। अगला बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, यह इंपॉर्टेंट है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ हो जाता है, व्यक्तित्व का विकास, कहने का मतलब फ्रेंड कि जहां चर्चा अवस्था में बालक अंतर्मुखी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, मतलब उसके जो विचार थे वह केवल उसी तक सीमित रहते थे, यहाँ बाल्यावस्था में उसके बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है। कहने का मतलब फ्रेंड जैसे वह परिवार से अलग एक दूसरे समाज में प्रवेश करता है, उसके बहिर्मुखी व्यक्तित्व की प्रवृत्ति का भी जो विकास प्रारंभ हो जाता है, अर्थात उसके वह अपने विचारों को खुले तौर से विद्यालय में रख सकता है, अध्यापक प्रश्न पूछ सकता है, समाज में किसी के सामने बात कर सकता है, बोल सकता है, कुछ भी प्रश्न कर सकता है, तो यह इस सारे बातें इसके जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व के विकास को दर्शाती हैं। अगला शारीरिक विकास में स्थिरता, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, यहां नोट करते हैं इसको, शारीरिक विकास में स्थिरता, शारीरिक विकास में स्थिरता,
कहने का मतलब यह फ्रेंड कि बालक के शारीरिक विकास में जहां शैशवावस्था में मानसिक विकास अत्यंत तीव्र गति से हो रहा था, वहां इसमें क्या है स्थिरता आने लगती है। कहने का मतलब जो लंबाई है, जो भार है, जो वजन है, वह यहाँ पर तीव्र गति से न होकर बल्कि मंद गति से बढ़ता है। इसलिए कहते हैं कि शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है। अगला फ्रेंड, काम प्रवृत्ति में न्यूनता। मतलब फ्रेंड, जो काम प्रवृत्ति की जो भावना होती है फ्रेंड, वह बिल्कुल न्यून हो जाती है, बिल्कुल शून्य हो जाती है। इस अवस्था में आते आते कहने का फ्रेंड की बालक में जो काम भावना होती है वह बिल्कुल शून्य हो जाती है। वह दो अवस्थाओं में ज्यादा सक्रिय होती है, एक शैशवावस्था में और एक जो है वह आतिथ्य किशोरावस्था में। तो बाल्यावस्था में काम भावना जो काम प्रवृत्ति है बिल्कुल न्यून हो जाती है, बिल्कुल शून्य हो जाती है। अगला फ्रेंड रुचियों में परिवर्तन। जी फ्रेंड, इस अवस्था में बालक की रुचियां हमेशा बदलती रहती हैं। कभी वह क्रिकेट खेलना पसंद करेगा, तो कभी वह वॉलीबॉल खेलना पसंद करता है, तो कभी वह आपका जो है मोबाइल में गेम खेलना पसंद करता है। मतलब क्या है, हर समय उसकी रुचियां बदलती रहती है। कभी वह आलू की सब्जी खाना चाहेगा, कभी वह गोभी की सब्जी खाना चाहेगा। मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग रुचियां उसकी बदलती रहती हैं। रुचियां स्थायी नहीं रहती हैं। कभी वह पढ़ना पसंद करता है, कभी वह पढ़ने से दूर भागता रहता है। यह सब उसकी रुचियों पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसकी रुचियां हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं। इसलिए यह भी इस अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बाल्यावस्था से संबंधित। तो हमने देख लिया आज बाल्यावस्था के बारे में, बाल्यावस्था का परिचय, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के बारे में बाल्यावस्था का जो कथन है उसको देख लिया। उसके तत्पश्चात जो है हम लोगों ने बाल्यावस्था के महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में देख लिया है। अब एक बार हम उसको आपके जो मनोवैज्ञानिक जो कथन है उसको एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को समाप्त करते हैं। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग बाल्यावस्था के बारे में डिटेल में जो है परिचय प्राप्त करेंगे, क्या उसके सारे विकसता है, क्या मानसिक विकसता है, ये सारी चीजें हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कथन इंपॉर्टेंट है। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको नोट डाउन करने के पश्चात हम लोग जो है रिवीजन करने के पश्चात बाल्यावस्था के बारे में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए तो विशेषताएं देख लीजिए एक बार, नैतिक गुणों का विकास तथा सामाजिक गुणों का विकास। अगला है जिज्ञासा की प्रबलता, फिर है आत्मनिर्भरता की भावना, फिर मानसिक योग्यता की वृद्धि, सामूहिक भावना का विकास, संग्रह करने की प्रवृत्ति, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, शारीरिक विकास में स्थिरता, काम प्रवृत्ति में न्यूनता तथा रुचियों में परिवर्तन। तो इतने सारी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में एक एक करके हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, सबको समझ लिया है। अब विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो परिभाषाएं हैं पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके तत्पश्चात जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यदि मनोवैज्ञानिक की बात आती है तो हम बात करते हैं कालेनब्रुस की। कालेनब्रुस ने क्या कहा भैया, कार्ल एंब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कार्ल एंब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। मैंने इसको लिखवाया है, एक बार रिविजन कर लेगा सभी लोग। सिगमंड फ्रायड ने बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल कहा है, अर्थात विद्यालय में जब बालक प्रवेश लेता है तो उसके एक अच्छे भविष्य की उत्तम भविष्य का निर्माण होता है, इसीलिए सिगमंड फ्रायड ने इसे जीवन का निर्माणकारी काल कहा है। वही इसके हटकर किल पैट्रिक ने बाल्यावस्था को बालक के प्रतिद्वंदात्मक तथा सामाजिकरण का काल कहा है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहने का मतलब फ्रेंड कहा कि प्रतियोगिताएं, कहने का मतलब बालक में प्रतियोगिता की जो भावना होती है यह प्रारंभ हो जाती है, इसीलिए इसको प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है। रॉस ने छदम परिपक्वता, मोस्ट इंपोर्टेंट है रॉस ने इसे छदम परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता का काल कहा। इंपोर्टेंट है, भूलिएगा मत, रॉस ने छदम परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। वही क्रो एंड क्रो का कहना है कि जब बालक 6 वर्ष का होता है तो उसकी मानसिक योग्यता लगभग पूर्ण हो जाती है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी, विशेषताएं भी है इसकी कि मानसिक योग्यता में वृद्धि या मानसिक योग्यता का विकास। मतलब जब बालक 6 वर्ष का उसकी मानसिक योग्यता लगभग पूर्ण हो जाती है। वही स्ट्रेंथ अनुसार ऐसा कोई खेल नहीं है जिसे बालक 10 वर्ष का बालक नहीं खेल सकता है। ये विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के कथन थे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को इतना ही फ्रेंड, अगले क्लास में मिलेंगे बाल्यावस्था के एक संपूर्ण परिचय के साथ। तो चलिए, थैंक यू।